हूं आपके साथ राखी लांबा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कभी सदन में आंख मारते हुए दिखाई देते हैं तो कभी वो पीएम नरेंद्र मोदी को गले से लगा लेते हैं। अलग अलग तरीकों से राहुल गांधी सदन की कार्रवाई के दौरान लाइमलाइट में आ ही जाते हैं। अभी हाल ही में राहुल गांधी के द्वारा सदन में फ्लाइंग किस देने का आरोप लगा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यह आरोप लगाए हैं कि भाषण खत्म होते ही राहुल गांधी ने सदन में मौजूद महिला सांसदों को फ्लाइंग किस दिया, जिस पर उन्होंने आपत्ति जताई। बस इस वीडियो के वायरल होते ही लोग इस पर रिएक्ट भी करने लगे हैं, वो भी अपने अपने हिसाब से। कोई इसे सही बता रहा है तो किसी का कहना है कि महिला सांसदों को कोई भी अभद्र तरीके से इशारा वहां पर नहीं किया गया, तो कुछ लोगों का कहना है कि राहुल गांधी ने महिला सांसदों को ही फ्लाइंग किस दिया था। बीजेपी राहुल गांधी की इस हरकत पर नाराजगी जता रही है, जबकि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि उस वक्त उनके सामने स्पीकर ओम बिड़ला थे, कोई और अन्य महिला सांसद नहीं थी। ऐसे में अब राहुल गांधी की शादी की मांग भी उठने लगी है। आपको याद होगा कि विपक्षी दलों की एक बैठक हुई थी, उस दौरान राहुल गांधी को लालू यादव ने दुल्हा बनाने की मांग की थी, और अब बीजेपी की तरफ से भी राहुल गांधी की शादी की मांग उठने लगी है। महाराष्ट्र में बीजेपी महिला मोर्चा ने राहुल गांधी की शादी कराने की मांग की। ये मांग बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से की गई। हाथों में तख्ती लेकर तमाम महिला मोर्चा की महिलाओं ने प्रदर्शन किया और इन तख्तियों पर लिखा गया था, मां का लाडला बिगड़ गया। पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं का कहना था कि राहुल की हरकतें रोड साइड रोमियो वाली हो गई हैं, ऐसे में उनकी शादी करा देना ही ठीक होगा। प्रदर्शन के दौरान विरोध करते हुए महिला विंग की तरफ से नारेबाजी भी की गई और साथ ही साथ राहुल गांधी की शादी की मांग की गई। वैसे तो ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी की शादी की मांग उठी हो। इससे पहले लालू यादव ने भी जब विपक्षी दलों की बैठक हुई थी उस वक्त राहुल गांधी से शादी का आग्रह किया था। बात तो हम लोग आप सलाह माने नहीं, ब्याह नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया दिखता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बराती चले और शादी करिए, बात मानिए। आपकी मम्मी हमको बोलती हाँ, अब एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। और इसके साथ ही सोनिया गांधी से बीते कुछ दिनों पहले कुछ महिलाएं दिल्ली मुलाकात के लिए आई थी राहुल गांधी के न्योते पर ही। उन्होंने भी राहुल गांधी की शादी के बारे में सोनिया गांधी से सवाल किया था, तो सोनिया गांधी ने जवाब में कहा था कि वो लड़की की तलाश करें, राहुल जरूर शादी करेंगे। और अब जब सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी उसी वक्त फ्लाइंग किस वाले मुद्दे को लेकर अब फिर से राहुल गांधी की शादी की मांग की जा रही है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद में मणिपुर हिंसा पर बोल रहे थे, जबकि कथित रूप से उन्होंने फ्लाइंग किस किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दावा किया है कि राहुल ने ऐसा उनकी तरफ देखकर या फिर जो अन्य महिला सांसद वहां मौजूद थी उनकी तरफ देखकर किया। बीजेपी की महिला सांसदों ने इसका विरोध भी किया, शिकायत भी की, और इस शिकायत में राहुल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं सांसद हेमा मालिनी भी स्पीकर से मिलने के लिए गई थी और उन्हीं सांसदों में एक थी जो शिकायत के लिए पहुंची थी। शिकायत पर हस्ताक्षर भी किए गए, लेकिन उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी को फ्लाइंग किस करते हुए उन्होंने नहीं देखा। वैसे राहुल गांधी हर बार सदन में किसी न किसी वजह से चर्चा का विषय बन ही जाते हैं, ऐसे में एक बार फिर से राहुल गांधी ने सदन में कथित फ्लाइंग किस मामले में खुद को लाइमलाइट कर दिया है। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।